के साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर उन्हें नमन करने के लिए पहुंचे। तो लगातार महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे। लखनऊ से सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। साथ ही मौजूद हैं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। इस मौके पर आज लखनऊ में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बापू के आदर्शों के साथ ही साथ बापू के विचारों को, उनके द्वारा दी गई प्रेरणा को, सीख को यहाँ पर आज याद किया जा रहा है। और जिस तरह से देश की आज़ादी के साथ ही साथ महात्मा गांधी के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, ऐसे में आज 152वीं जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पुष्प अर्पित कर उनका नमन करने के लिए पहुंची। भारी संख्या में यहां पर लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बलिदानों के साथ ही साथ उनके आदर्शों की यदि बात की जाए तो हमेशा ही उनके आदर्शों ने, उनके शब्दों ने, उनके विचारों ने देश को मार्ग दिखाया है, देश को आगे बढ़ने की राह दिखाई है। ऐसे में आज के दिन विशेष तौर पर उनके द्वारा दी गई सीख को याद करके तमाम लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि उस प्रेरणा से वो आगे बढ़ेंगे। और जिस तरह से हर क्षेत्र में, राजनीति से लेकर सेवा के क्षेत्र में, हमेशा ही उन्होंने एक ऐसी राह बनाई है जिस पर चलकर समाज का भला किया जा सकता है और एक बेहतर समाज की स्थापना की जा सकती है। स्वच्छता अभियान की भी बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा ही भारतवर्ष में स्वच्छता की शुरुआत की गई थी। स्वच्छता को लेकर जोर देना प्रारंभ किया था और उन्हीं को याद करते हुए सरकार के द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया गया। आज कई जगह पर सफाई करके, सफाई के कार्यक्रम करके महात्मा गांधी को याद किया गया। राष्ट्रपिता को याद करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। हर क्षेत्र में जीवन जीने से लेकर राजनीति और साथ ही साथ भारतवर्ष को आगे बढ़ाने से लेकर बच्चों, भारत के भविष्य को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम बातों पर महात्मा गांधी के विचार आज भी समय समय पर लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। तो राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर आयोजित किया गया है कार्यक्रम। शांति, अहिंसा, सद्भाव और इसके साथ ही साथ भारत के आखिरी व्यक्ति तक देश की सर्वोच्च सुविधाएं पहुंचाने को लेकर जो तमाम योजनाएं, जो तमाम बातें बापू के द्वारा कही गई हैं, हमेशा से उनका यही लक्ष्य था कि समाज में मौजूद हर व्यक्ति की तरक्की एक साथ होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पिछड़ा या पीछे ना छूटे। सामाजिक सद्भाव के साथ ही साथ सामाजिक एकरसता, अहिंसा का पाठ हमेशा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा पढ़ाया गया। महात्मा गांधी के प्रिय भजनों की भी बात की जाए तो भजनों के माध्यम से भी हमेशा उन्होंने सद्भावना, एकता की बात की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी बापू को किया नमन।
लखनऊ से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के मौके पर आज उस कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में किया गया था। महात्मा गांधी की प्रतिमा पर सर्वप्रथम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प अर्पित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्कूली छात्राओं के द्वारा महात्मा गांधी के प्रिय भजनों का संकलन आज यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। ये तमाम भजन महात्मा गांधी को अति प्रिय थे। जिस तरह से लगातार महात्मा गांधी के जीवन को यदि हम देखें तो हमें हमेशा से उनके विचारों के बारे में जानने का मौका मिलता है। उनके विचारों की यदि बात की जाए तो हमेशा ही सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एकरसता की बात महात्मा गांधी करते थे। अपने अहिंसा के पाठ के जरिए लगातार इस बात पर जोर दिया करते थे कि हिंसा नहीं बल्कि अहिंसा और प्रेम से तमाम बड़ी बड़ी मुश्किलों को हल किया जा सकता था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भारतवर्ष की आज़ादी। भारतवर्ष की आज़ादी जिस तरह से अहिंसा के पथ पर चलकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हम सबको दिलाई, ऐसे में उनके आदर्शों, उनके विचारों का पालन करके लगातार समाज में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा आज भी उनके जीवन काल के से उनके जीवन के प्रत्येक क्षण से लोग को मिलती है। समय समय पर उनके द्वारा कही गई बातों, उनके द्वारा गाए गए भजनों के माध्यम से भी लगातार इस बात का जिक्र सामने आता है कि कैसे एक साथ मिलके, कैसे मन में दया भाव रख के एक माला में हर भारतवर्ष के नागरिक को गूंथा जा सकता है। और इसी कार्यक्रम के आयोजन की तस्वीरों के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। किसानों की बढ़ी आमदनी, युवाओं को मिला रोजगार, उत्तराखंड सरकार का मिशन जलागम ने किया साकार।